ढाबा स्टाइल चिकन करी। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन करी, और उससे पहले उसका चिकन मसाला। सबसे पहले मैं डालूंगा इसके अंदर एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, एक मोटी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग, ये पत्थर के फूल हैं तो कुछ ये जाएंगे थोड़े से, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और ये 3-4 तेज पत्ता। और अब मैं इनको थोड़ा सा गर्म करूँगा, बस गर्म करके और इनको पीस लूँगा। ये मसाले मेरे गर्म हो गए हैं, बस इतना देख लीजिए कि आपके हाथ में जो है गर्म ना लगे और मसाला आप इजीली पकड़ सकें, बस हमें इतना ही गर्म करना है। और अब मैं इसको पीस लूँगा। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पंसारी का सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। वो जो पंसारी का सरसों का तेल आता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सरसों के तेल के अंदर क्या होता है कि करी का जो चिकन करी का जो फ्लेवर है बहुत निखर के आता है। अब हम सबसे पहले इसको जलाएंगे। जलाने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी इसकी धांस है वो उसको ख़त्म करेंगे,